एमएसपी गारंटी कानून बनाने और अग्निपथ योजना वापस समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन असली अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने मंडल आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मंडल आयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। एमएसपी गारंटी कानून बनाने और अग्निपथ योजना को वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन असली अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मंडलायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है। किसानों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी गारंटी कानून, बिजली कानून 2020 की वापसी, एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर 13 महीने से आंदोलित किसान संगठनों के प्रतिनिधि किसान संयुक्त मोर्चा से एक समझौता किया गया था। इस समझौते में केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून, बिजली बिल 2020 और पराली कानून वापसी की घोषणा एवं एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य बाकी मुद्दों पर किसानों से बातचीत कर एक कमेटी गठित करने की बात कही थी। इस समझौते और वादे के बाद किसान संगठनों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने अपने किए वादे पर कोई अमल नहीं किया, बल्कि वादा खिलाफी करते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर जबरन बिजली का मीटर लगाया जा रहा है, जो कि बिजली बिल 2020 की वापसी की घोषणा का स्पष्ट उल्लंघन है। वहीं किसानों की अन्य मांगे जैसे कि एमएसपी गारंटी कानून, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा और किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी, गन्ना किसानों को बकाया भुगतान ब्याज सहित साथ ही किसानों के कई मुद्दों पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। उत्तर प्रदेश में हर जिला कलेक्टर के माध्यम से हम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन हमारा 24 माह का है, लेकिन 4-5 मांग हमारी बहुत मुख्य है और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आज हमारा ज्ञापन जा रहा। 26 तारीख को हमारी एच के उत्तर प्रदेश की बैठक हुई थी गरेला में, उसमें तय किया था हमने और आज पूरी ईपी हमारे साथी जब प्रवेश कर लिया। मेन मुद्दे हमारे 4-5 हैं। नंबर पहला, 13 महीने जो दिल्ली में आंदोलन चला था हमारा, उस आंदोलन में प्रधानमंत्री ने आकर घोषणा की थी कि हम बिल वापस ले रहे हैं। 13 महीने के बाद समझ में आया और कि बिल गलत थे, किसान सही कह रहे थे, वो वापस ले लिए। उसी में एक डिमांड हमारी और थी एमएसपी गारंटी कानून, तो उसको लेकर सरकार ने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमारे कहने से मान जाओ, एक बात हमने आपकी मान ली, एक हमारा विश्वास कर लो आप कि हम आपको 1 महीने के अंदर एमएसपी कानून कैसा गारंटी दी है उसकी कमेटी बनाएंगे, उसमें आपके प्रतिनिधि शामिल होंगे और हमसे प्रॉमिस किया उन्होंने और हमने बात मान ली और हम घर चले आए। आज 6 महीने हो गए, सरकार ने वादा खिलाफी कर दी, अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं की है और एमएसपी की तरफ सरकार नहीं बढ़ रही है। हमारा ये मुद्दा है कि सरकार एमएसपी कानून दे। हमें वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना भर्ती अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर के युवाओं में रोष है, क्योंकि सेना में किसानों मजदूरों के बच्चे जाते हैं और इस योजना से सेना की संख्या में कमी आएगी, देश की सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। किसान संगठन अपने देश के युवाओं का समर्थन करते हुए अग्निपथ भर्ती योजना की वापसी की मांग करता है।